एक तरफ थाना छजलेट की पुलिस पैसे लेकर के गोकसी करा रही है। पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उसे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गोकसी के लिए नहीं की गई है बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन उसमें ना मुकदमा पंजीकृत है ना किसी पर कोई कार्यवाही है। 16 तारीख वाले में जब हम लोगों ने थाने में धरना दिया था तब वो मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना काट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। ध्यान से देखें इन शख्स को जो पुलिस के पीछे खड़े हैं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि अपराधी हैं, लेकिन इससे कुछ दिन पहले तक ये कुछ संगठन के मंत्री, जिला अध्यक्ष, तमाम पद इनके पास मौजूद है, उसका हवाला देकर पुलिस को परेशान करना और पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना, उस सब में ये शामिल थे। शुरू में आपने क्लिप्स भी देखी होंगी, उस क्लिप में दो शख्स दिख रहे थे जो अपने आप को गो रक्षक, अपने आप को हिंदुत्व का रक्षक, ये सारी चीजें कहकर मीडिया कर्मी से बात कर रहे थे। अब वो पुलिस के पीछे खड़े हैं अपराधी बनकर। कौन है ये शख्स, कहां से ये पूरा मामला है, थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे ऐसे गिरोह के बारे में। गिरोह ही कहिए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग गो हत्या के नाम पर किसी मुसलमान को फंसाने की साजिश कर रहे थे, गो हत्या के नाम पर थाना अध्यक्ष को उस जगह से हटवाने की कोशिश कर रहे थे, यूपी पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि यूपी पुलिस ठीक से काम नहीं करती है, वो गो हत्या करने वालों के साथ खड़ी है। लेकिन गो हत्या कौन कर रहा था, गो हत्या के नाम पर राजनीति कौन कर रहा था, गाय के नाम पर ये लोग जिसे मां कह रहे थे 2 दिन पहले, उसी की हत्या में लिप्त पाए गए हैं और अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके इनके तमाम साथियों को जेल भेजने का काम किया है। कुछ इसमें फरार हैं, पूरी खबर डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा क्योंकि मामला बड़ा है, गाय से जुड़ा है और ऐसे मामले खासकर जिसमें एक समुदाय को टारगेट करते हुए लोग राजनीति करते हैं और फिर उस चीज को पूरे प्रदेश देश भर में कैश कराने की कोशिश करते हैं, तो आपका काम यह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। मामला मुरादाबाद का है। मुरादाबाद में एक घटना ऐसी सामने हुई कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले घटना सामने आई कि कहीं पर गौवंश के अवशेष मिले, पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद हिंदुत्व संगठन के कुछ लोगों ने हंगामा किया जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम अलग अलग दलों के नेता और उनके कार्यकर्ता सब मौजूद थे। पुलिस पर आरोप लगाए गए, वो आरोप मैंने आपको शुरू में क्लिप दिखाए हैं और वही जो आरोप लगाने वाले लोग थे, अब पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे भेजा है। इन लोगों ने एक साजिश रची, इन लोगों की दुश्मनी थी थाना अध्यक्ष सतेंद्र शर्मा जो कि छजलेट के थाना अध्यक्ष थे, उससे दुश्मनी। ये जो मोनू बिश्नोई है, पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पुलिस के पीछे खड़ा है, इसका साथी राजीव, रमन, नईम और शहाबुद्दीन, ये लोग इन्होंने मिलकर एक कांड, एक साजिश रची कि पुलिस के सबसे पहले इस थाना अध्यक्ष को यहीं से हटवा देते हैं, भाई हमारे हिसाब से काम कर नहीं रहा तो इसको भी हटवाना है और अपनी राजनीति भी चमकानी है। तो कुछ दिन पहले इन्होंने नईम और जमशेद को कॉन्टैक्ट दिया, 2,000 रुपए दे कि जाओ कहीं से गाय लेके आओ, पहले उन्होंने ये कांड किया। उसके बाद 28 जनवरी को उसी कांड को दोबारा से दोहराया गया और वहां पर एक लोअर के अंदर एक पर्स में एक शख्स की जिसका नाम महमूद बताया जा रहा है, उसकी फोटो डाली, फोटो पे नंबर लिखा ताकि पुलिस जो है इसे गिरफ्तार कर ले और मामला हिंदू वर्सेस मुसलमान कहीं ना कहीं हो जाए, जो कि इनकी मंशा थी। लेकिन इनके साथ मुसलमान भी थे, भाई देखिए कहीं एकता दिखे ना दिखे लेकिन क्राइम में एकता दिख रही है, इनके साथ मुसलमान भी हैं, वो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनकी राजनीति चमकाने में भी उनकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे थे। पुलिस ने फिलहाल इन सबको गिरफ्तार कर लिया है। SSP हेमराज मीना ने सार्वजनिक तौर पर अपनी वीडियो में सारी चीजें रखी जिसकी क्लिप आपने शुरू में देखी। मैं चाहता हूं कि एक बार ये पूरी क्लिप आप फिर से जरूर देखें, उसके बाद बात करते हैं। अभी हाल ही में पिछले मतलब इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलेट में एक घटना हुई थी जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका से वहाँ पे बरामद हुआ था, इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चित्रामपुर में रात्रि में और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाकर उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे किसमें कार्रवाई हुई। दोनों जो घटना है वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटना होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और चूंकि जो घटना हुई जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उसे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गोकसी के लिए नहीं की गई है बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बनाकर जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने बताया कि जो गोवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तो वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को, क्षेत्र अधिकारी को, थाना प्रभारी को, जब मौके पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक
पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फोटो मिला उसका नाम जो लिखा मिला मोबाइल नंबर उसमें मिला उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे गांव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी मेरी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि लोग मुझे फंसा सकते हैं और उसमें दो लोगों का नाम प्रकाश माया जिसमें एक का नाम साबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मौनू बिस्मई है राजीव चौधरी नमन चौधरी ये लोग थाना छजलेट पे और थाना काट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं और इसी इसमें इनकी अभी पिछले दिनों जो मौनू बिस्मई है ये 307 में जो अपराध में जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ इन्होंने मारपीट किया थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी इनको जेल भेजा गया था फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गवर्नस का जो सिर उसको मतलब कुछ अफसेस लाके और थाना छजलेट में रखे जैसे कि पुलिस पर कार्रवाई और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर ये काम किया और इसमें साबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपको जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा उनका फोटो उनका जो नाम सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पर पहले जो एविडेंस क्रिएट किया गया और उसके बाद में वहाँ पर जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पर पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पर पुलिस को सूचना दिया। तो आपने पूरी कहानी सुन ली। पुलिस ने बताया कि ये जो शख्स जिसका नाम मोनू बिश्नोई है ये अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष बताता है। इसके साथ ही राजीव रमन ये लोग से साथ हैं। उसके अलावा इन्होंने गाय की हत्या कराने के लिए दो लोगों को पैसे दिए जिनका नाम नईम और शाबुद्दीन बताया जा रहा है। बताया जाए कि ये एक गांव वहाँ का जिसका नाम चैतराम है वहाँ से एक गाय चुरा कर ले गए जो कि किसी विमला देवी जो महिला है उसका नाम विमला देवी उसकी गाय थी। उस गाय की फिर हत्या करने के बाद इन्होंने उस जगह पर रखा। उसके बाद पुलिस को ये बयान दे रहे हैं शुरू में जो आप लोगों ने वीडियो देखी कि भाई हमको जानकारी मिली कि फलानी जगह गौ हत्या हो रही है हम लोग वहाँ पर पहुँच गए पुलिस से पहले पहुँच गए। इनका मतलब आप समझ रहे हैं इनका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है या वो फर्जी नेटवर्क जिसके स्तर पर ये लोग बात कर रहे थे और फिर उसके बाद पुलिस को बदनाम किया और बोल रहे हैं कि पुलिस जो है लाखों रुपये लेकर गौ हत्या करने वालों को छोड़ देती है। तो ये जो पूरा गिरोह था और उससे ऐसे ही कुछ लोग और पिछले दिनों एक और जगह दिखाई दिए थे। मैंने अभी 15 दिन पहले 14 जनवरी को एक खबर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि करनी सेना से जुड़े हुए लोग जो कि कुछ हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए लोग थे उन्होंने किसी मुसलमान को फंसाने के लिए गौवंश का सहारा लिया गाय हत्या का सहारा लिया। उसके बाद पुलिस ने वो मामले का खुलासा किया। बरेली की घटना थी 15 दिन पहले भी मैंने खबर की थी। आप लोगों को अगर इसको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या ऊपर मैं कार्ड लगा देता हूँ तो वहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। 15 दिन पहले भी इस तरह का एक तरह से गिरोह का खुलासा किया था यूपी पुलिस ने। फिर से यूपी पुलिस ने एक अच्छा काम किया है सराहनीय काम है और यूपी पुलिस जो है एक तरह से दिख रही है और ग्राउंड पर कि वो किस तरह से लोगों को बचा रही है उन्हें जो लोग उन्हें फंसाना चाहते हैं खासकर एक समुदाय विशेष को फंसाने की कोशिश कर रहे थे तो यूपी पुलिस ने उस चीज़ को रोका और जो असली गुनाहगार थे उनको जेल भेजने का काम किया। तो बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। जो थाना अध्यक्ष सतेंद्र शर्मा जिसको ये लोग हटवाना चाहते थे अपने हिसाब से काम करवाना चाहते थे बताया जाता है कि कुछ दिन पहले एक ट्रक पकड़ा गया था मवेशियों का जिसमें बताया जा रहा है कि सोनू बिश्नोई ये जो मोनू बिश्नोई है ये चाहता था कि ये सारे मवेशी उसे सौंप दिया जाए लेकिन पुलिस ने अपने विवेक के हिसाब से उसमें काम किया था जिससे नाराज चल रहा था कि ये जो थाना अध्यक्ष है भाई हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा इसको हटवाना है। तो ये साजिश रची गई साजिश में हिंदू मुसलमान का एंगल भी आ गया और थाना अध्यक्ष को फंसाने की साजिश की गई थी। तो फिलहाल पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। अब आपका काम यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा 10-12 लोगों को आप लोगों को शेयर करना है और जहाँ पर भी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली खबर में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक ले दीजिए इजाज़त।